नमस्कार, आइए अब हम देखते हैं कि 2013 कर्क राशि वालों के लिए कैसा साल रहेगा और इसे और बेहतर बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। पहले हम थोड़ा जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही भावुक यानी इमोशनल होते हैं। ये घरेलू होते हैं और घर से प्यार करने वाले होते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है यानी मून है, जो कि मन और प्यार का प्रतीक है। इसलिए इस राशि के लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र करना अच्छे से जानते हैं। कर्क राशि के लोग अक्सर मूड स्विंग के शिकार जल्दी होते हैं। पल में शांत और अगले ही पल थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हम नोटिस कर सकते हैं। ये इंट्रोवर्ट होते हैं, पर अगर समय साथ दे और सब कुछ सही रहे तो ये दूसरों की तारीफ करने, चैरिटी करने, मदद करने और दान देने से पीछे नहीं हटते हैं। अब देखते हैं कि 2013 इनके लिए कैसा साल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मनी और प्रॉपर्टी की। तो इस साल कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी बनाने के या नई प्रॉपर्टी या नया इनकम मिलने के बहुत ही अच्छे योग हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और कोई भी अन्य नए स्रोत या इनकम के नए रिसोर्स से पैसे मिलने के अच्छे योग हैं। फरवरी और मार्च के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा कुछ परेशानी आ सकता है, पर ओवरऑल उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इनका पारिवारिक जीवन इस साल कैसा रहेगा। यह साल संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा है, यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हर क्षेत्र में उनको सक्सेस मिलने के अच्छे योग हैं। मतलब कर्क राशि के जातक के बच्चों को हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के अच्छे योग हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। संतान संबंधी कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपके बच्चों की शादी होना है तो हो सकता है इस साल वह पूरी हो जाए। कर्क राशि वालों का अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ साल में कुछ अनबन या विचार मतभेद हो सकते हैं, पर यह सब टेम्परेरी है। इसके लिए उपाय यही है कि बहुत ज़्यादा भावनाओं में आपको नहीं आना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, मन में शांति बनाए रखें। अब देखते हैं कि जॉब और बिजनेस के लिए यह साल कैसा है कर्क राशि वालों के लिए। अगर लास्ट ईयर आपके कोई काम रुके हुए थे, जो जॉब संबंधी या बिजनेस संबंधी कोई काम रुका हुआ था, तो वह इस साल पूरा हो जाएगा। कोई भी नया जॉब संबंधी और बिजनेस संबंधी प्लान अगर आप बनाएंगे तो वह थोड़ा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, पर वह कंप्लीट होगा और आपके ही पक्ष में रहेगा। फरवरी और मई के फर्स्ट हाफ में पैसों को लेकर थोड़ी कमी आ सकती है। मतलब अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस फरवरी और मई के फर्स्ट हाफ में महसूस हो। राइटर, जर्नलिस्ट, वकील और कंसल्टेंट टाइप के जॉब से जुड़े हुए लोग इस साल विशेष सक्सेस पाएंगे, ऐसा योग है। बात हम यहाँ पर कर्क राशि में जन्म लेने वाले लोगों की कर रहे हैं। अगर लास्ट ईयर आपका कोई फॉरेन ट्रिप रुक गया था तो वह इस साल मार्च के बाद पूरा होगा। अब देखते हैं कि जो स्टूडेंट और विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर हायर स्टडी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यह साल कैसा रहेगा जो कि कर्क राशि में जन्म लिए हैं। तो आपकी हायर स्टडी का सपना ज़रूर पूरा होगा। अप्रैल और मई के बीच में फैमिली इश्यूज को लेकर आपकी पढ़ाई या स्टडी में कुछ डिस्टरबेंस आ सकता है, पर ओवरऑल यह साल विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल कैसा रहेगा। राहु और शनि के इम्पैक्ट के कारण
कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, टेंशन होना, पैर या कमर में दर्द होना, इस टाइप के, पर कोई विशेष चिंता करने वाली बात नहीं है। अब हमने देखा कि यह साल कर्क राशि में जन्म लेने वालों के लिए कैसा रहेगा, पर इस साल को किस तरह से आप और भी शुभ बना सकते हैं, जो थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, उनको किस तरह से आप नम्र और सरल कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं, इसके कुछ छोटे छोटे उपाय देख लेते हैं। तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि वह अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें। जैसे कि हमने बताया कि कर्क राशि का स्वामी जो होता है वह चंद्रमा होता है, जो कि मन से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने माइंड में कूल बनाए रखें, किसी भी विषय को लेकर शांत भाव से उस विषय का हल निकालने की कोशिश करें, चाहे वो रिश्तों के बीच में हो, यानी पति पत्नी के बीच में हो, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, उस समय आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है, जिससे आपकी टेंशन और डिप्रेशन कम होंगे। जैसा कि हमने कहा कि इस साल थोड़ा शनि और राहु का इम्पैक्ट रहेगा, इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए अगर संभव हो सके तो हर शनिवार पीपल के पेड़ पर अगर आप जल दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको शिव जी और हनुमान जी की पूजा, यानी जैसा कि हनुमान चालीसा पढ़ लिए या शिव जी का कोई पूजा कर लिया आपने, यह विशेष फलदायी रहेगा। इन उपायों को अपनाकर आप इस साल को और भी मंगलमय बना सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।